Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम जानने वाले हैं बच्चों का जो डोज होता है किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, और चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, डोज आपको कैलकुलेशन के हिसाब से ही देना है, किस केजी पर केजी के हिसाब से देना है और क्या डोज देना है। मान लीजिए मुझे अमीगासिन का डोज देना है और मेरे पास बच्चा है 11 केजी का, यानी 11 केजी का जो बच्चा है उसका वेट मुझे देना है, उसका वेट के हिसाब से मुझे डोज देना है। जैसे 11 केजी हमने वेट लिखा और 15 mg पर केजी के हिसाब से मुझे अमीगासिन मान लीजिए देना है, अमीगासिन मुझे देना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले करना क्या है, 11 केजी इंटू 15 आपका कितना हो रहा है, 15 का बड़ा 11 बार पढ़ लेना आपको 165, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब 165 जो निकला है, 165 जो निकला है, इसको हमें क्या करना है, 165 इंटू 2, यानी कि ये हमारा डोज ml में है। ये कितने ml में है, 250 mg, हमारे पास 250 mg का, 250 mg इन 2 ml, यानी कि अमीगासिन मेरे पास 250 mg का है लेकिन 2 ml में है, 2 ml में 250 mg का, 2 ml में 250 mg अमीगासिन है मेरे पास। अब मुझे कैलकुलेशन करना है, 165 हमने यहाँ निकाला, 11 इंटू 15 165 निकला, 165 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका निकलेगा 30, ओके। अब हमें करना क्या है, इस 330 को आपको डिवाइड कर देना है 250 टोटल mg से, ठीक है, 250। अब आपका जो डोज निकलेगा, देखिए इसको यहाँ काटने का तरीका, आपको जिस तरीके से फ़ोन से काटना है फ़ोन से निकाल सकते हैं, आप अगर आपको मैथ अच्छा आता है तो मैथ से निकाल दीजिए। तो आपका जो टोटल कैलकुलेशन जो डोज आएगा वो 1.32 ml, यानी कि आपको बच्चे को जो डोज देना है इस हिसाब से 15 mg पर केजी के हिसाब से, तो आपको 1.23 ml डोज आपको बच्चे को देना है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, दिस डोज प्रिफर्ड फॉर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू 15 mg पर केजी अमीगासिन टोटल बॉडी वेट एंड मल्टीप्लाई 2, ओके, मल्टीप्लाइड रिजल्ट 330 डिवाइडेड बाय 250, ओके, विच रिजल्ट इज रिजल्टिंग 1.32 ml, 1.32 ml डोज देना है आपको बच्चे को, ओके। सो आई थिंक गाइस ये वीडियो आपके लिए समझ में आया होगा, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखिए, और अगर आपको किसी और डोज जैसे अलग डोज निकालने हैं किसी भी इंजेक्शन का, अगर आपको डोज निकालना है तो प्रोसेसिंग केवल यही है, आपको वहाँ पर डोजेस बीट डोज आपको चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मोनोसेफ आपको चेंज करना है, 500 mg है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 11 किलोज का हमारे पास बच्चा है, तो 11 इंटू मोनोसेफ का जो डोज हम पेशेंट को देते हैं उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आएगा उसका, फिर मल्टीप्लाई दो जो उसका 5 ml में रहता है 500 mg, तो 5 ml से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जो डोज आएगा, यहाँ पर जो डोज आएगा इसको डिवाइड कर देना है 500 mg से, ओके, और आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो यहाँ पर ml में आ जाएगा। सो आई थिंक गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।